हेलो, वेलकम बैक। आपके साथ मैं एक बाजू का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा और हर कोई इसको बना सकता है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने 28 इंच लंबी पट्टी ली है और 3 इंच चौड़ी ली है। इस तरह की दो पट्टियाँ मैंने ली हैं और बनाते हैं इसका डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल है, हर कोई जो थोड़ी बहुत भी सिलाई जानता है वो भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक, ये दो पट्टियां हैं जो दोनों को एक साइड से मैं इसको फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। जो बाहर की साइड आएगी इसको फोल्ड कर लेना है, एक साइड से ही फोल्ड करना है। ये बहुत ही बारीक मैंने इसको फोल्ड किया है। इसको पीको भी कराई जा सकती है। मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और जल्दी हो जाएगा। पीको लगाने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो सिंपल इसको इस तरह से सिलाई मार सकते हैं। बहुत ही कम कपड़ा अंदर लेना है, नहीं तो बाजू छोटी हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक्चुअली क्या हुआ था कि बाजू की जो लेंथ थी वो छोटी थी। उस लेंथ को बड़े करने के लिए मैंने एक तो डिज़ाइन बना दिया और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना, और दूसरा बाजू की जो लेंथ है वो बढ़ गई। इस तरह से मैंने ये पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लिया है जैसा आप देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो पट्टी है मैंने एक्स्ट्रा ली है। जितनी प्लेट्स डालनी है उतनी डाल देंगे और बाकी की बाद में मैं इसको, जो पट्टी एक्स्ट्रा बचेगी उसको मैं कट कर दूंगी। एक पट्टी को सिलाई लग गई है, अब दूसरी को भी लगा लेते हैं। सेम उतना ही कपड़ा फोल्डिंग में लेना है जितना कि दूसरी पट्टी में लिया। तो दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं इस तरह से। ये देखिए, एक साइड लगाई है मैंने, एक साइड बाजू के साथ अटैच होगी। दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इस तरह बाजू कट की हुई है और यहाँ पे मार्किंग भी की हुई है, और यहाँ पे मुझे एक सेंटर मार्क करना है, और यहाँ पे जो ये सिलाई बाजू को टाइट रखना है या खुला रखना है, अंदर मार्जिन छोड़ा हुआ है और वहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैं सेंटर मार्क कर रही हूँ। और बाजू को अटैच कैसे करते हैं कमीज के साथ, उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बाजू को किस तरह अटैच कर सकते हैं कमीज के साथ। क्योंकि उसको अटैच करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसमें सिखाया है। तो ये इस तरह, जब जहाँ तक बाजू का मार्जिन है जो मैंने मार्क लगाया हुआ था, वहाँ से थोड़ा आगे लेके इस तरह से प्लेट्स डालते हुए इस तरह चलना है। ये बाजू की ये सीधी साइड है, सीधी साइड दोनों की सीधी साइड एक साइड करके ऑपोजिट साइड से मैं इसको ये सिलाई लगा रही हूँ, और साथ में जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में डाल रही हूँ जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से ही सिलाई लगाते जाना है। जितना भी आपको बड़ी प्लेट डालनी है या छोटी प्लेट डालनी है, आपके कपड़े के हिसाब से या आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप प्लेट को बड़ी छोटी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटी प्लेट डाली है, समझो आधा आधा इंच की जो फोल्डिंग में ली है मैंने प्लेट। तो बस ध्यान इतना रखना है, जो मैंने सेंटर मार्क किया था, दोनों सेंटर मार्क्स के दोनों साइड में जो प्लेट्स हैं वो सेम आनी चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे तीन तीन प्लेट जो है
सेंटर के उस पार लगाई हैं, तीन ही सेंटर के जो मैंने सेंटर किया है बाजू का वहाँ के दूसरी साइड लगानी है। तो ये डिज़ाइन बन गया है इस तरह से, इसकी जो सीधी तरफ से इसकी लुक बनी है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था, हर कोई इसको बना सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि किस तरह का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करना इस तरह डिज़ाइन बनाने का, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।